हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएससी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, जिन्होंने 2023 में मैट्रिक पास किया है उनके लिए जो है बहुत बड़ी जो है ये वीडियो होने वाली है। आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, उसमें आपको 10 एंड 8 एंड 10 हज़ार के समथिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जिन्होंने 2023 में मैट्रिक पास किया हाई स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सारे कुछ बताऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन करना है, कहाँ से आपको ऑनलाइन करने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप बिहार पोर्टल का ये बिहार का ये तरफ से ये जो है योजना निकाली गई है। मैट्रिक पास जिन्होंने 2023 में 10वीं पास की है उन्हें 8 से 10 हज़ार स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। ये मौका है आपके पास, सुनहरा मौका है अपना पैसा प्राप्त करने का। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ से आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर आ जाना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने भाइयों और दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके लिए एजुकेशन से रिगार्डिंग वीडियो मतलब बनाता रहता हूँ। और एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप अगर फॉर्म भी कंप्लीट मतलब भर देते हो और मिस्टेक कर देते हो, आपका मतलब कि पैसा नहीं आने का, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करना जो है, उसके बाद ही आप ऑनलाइन करना अपना फॉर्म। ठीक है दोस्तों, जब आप अच्छे से समझाओ कि कैसे कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, एक गलती आपकी पूरी जो है स्कॉलरशिप को कैंसिल कर सकती है, मतलब रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म अगर आपने एक गलती कर दी। तो आप पहले समझिए सारी चीज़ों को और फिर उसके बाद आप ऑनलाइन कीजिए। सबसे पहले काम जो ये ब्लैंक में चल रहा है ना, इसे आप पढ़ रही है, ये जो ब्लैंक में ये चल रहा है, ये लाइन जो चल रही है, आप इसे पढ़ ले पढ़ो। ये जो लाइन चल रही है ब्लैंक में, इसे आप पढ़ते हैं। अभी मैं आपको इसको पढ़ कर दिखा देता हूँ, ये जब इधर इधर से शुरू होगी। अभी आप भी पढ़ने लेना क्या लिख रहा है इसमें। तो अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी देख सकते हैं लाइन स्टार्ट होने वाली है, हो चुकी है। अभी देख सकते हैं, सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार अपने बैंक खाता से सीडिट TFT के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करे, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडिड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन चल रही है, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, आप पहले आधार कार्ड, अगर आपका सीडिंग नहीं है तो आप सीडिंग करा लीजिए। सीडिंग की मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कैसे आप अपने जो है बैंक से आधार कार्ड सीडिंग कराएंगे जिसका सीडिंग नहीं है। और एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, आपका आधार कार्ड नंबर लिंक अलग चीज़ है, और यहाँ पे जो है DFT अलग चीज़ है, जिन्हें बोलते हैं NPCI। ठीक है दोस्तों, तो NPCI आप करा लीजिए बैंक में जाके। अब आपको बताता हूँ कैसे आपको फॉर्म एंड ऑनलाइन एंड अप्लाई करना है, कहाँ से कैसे अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारा कुछ। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहे, देख सकते हैं आप, ये वाली वेबसाइट आएगी, मेगा सॉफ्ट की वेबसाइट आई, ये वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है, मेगा सॉफ्ट की वेबसाइट आई। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिख रहा है, देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री बालक बालिका 10वीं पास प्रोत्साहन योजना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिख रखा है प्रोत्साहन योजना, आपको इस पर अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो बना रखी है, आप नोटिफिकेशन की वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका 10वीं पास प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर पर क्लिक करेगा, अगला पेज आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। मेगा सॉफ्ट की ये वाली वेबसाइट पर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। ये पहले आप क्या कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे, जो जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे, जो 1 से लेकर 13 तक यहाँ दे रखा है, सारा कुछ अच्छे से पढ़ना। इसका वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ चुका है, पहले अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था जब मैंने ये इसको पढ़ के बताया था सारा कुछ नोटिफिकेशन, जब इसका ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, पर आप आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये सारा कुछ पढ़ लेना है पहले, पढ़ने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है पेज अपल अगला ओपन हो जाता है।
इस तरह से। अब आपको यहाँ पे सब पे टिक कर देना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस आ चुका है, अभी देख सकते हैं आप। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, तो मेरी पटना पटना डाल देता है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जो है नाम। दोस्तों ऑनलाइन करने से पहले आपको क्या करना है, अपना अपना लिस्ट में नाम चेक करना है। तो लिस्ट में हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर लिख रहा है चेक योवर नेम इन इन द लिस्ट, यहाँ देख सकते हैं आप चेक योवर इन द लिस्ट, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, जो हाई स्कूल का रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट में जो नाम है आपका वो डालना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना अपना, और यहाँ पे अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर 10वीं का, और उसके बाद यहाँ पे नाम, और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर लेना। अगर आपका लिस्ट में नाम दिखा रहा है तो आप यहाँ पर जो है इस वाली वेबसाइट पर आकर अपना फॉर्म जैसे मैंने बताया भर लेना। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है आपका वो डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर पिताजी का नाम डाल देंगे। उसके बाद मदर का नाम डालना है आपको। उसके बाद आपको टोटल ऑब्जेक्टिव मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आए थे वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद डिवीजन, फर्स्ट या सेकंड जो भी है, यहाँ पे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड वालों को जो है ये आपको मिलने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड वालों को। उसके बाद कास्ट, BC है, OBC है, SC है, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर टाइप करना है अपना, जो भी आपका बिहार मतलब 10वीं क्लास का रोल नंबर है। उसके बाद मैरिड या इनमैरिड वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड की वेरिफिकेशन आपको करनी है, जैसे कि आधार कार्ड पर जो नाम है वो डालना है। उसके बाद जेंडर, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक अल्टरनेट नंबर डालना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी डालने के बाद सबको ये वेरीफाई करना है आपको। OTP जाएगा, OTP आप डालेंगे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वेरीफाई आप कर लेना, और बाकी मैंने जो डिटेल बताई आपको कर लेना, मैं आपको अभी भर के दिखा देता हूँ। दोस्तों जब आप आधार कार्ड वेरीफाई कर लेंगे, इस तरह से आपका जो है शो हो जाएगा आधार कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुल, देख सकते हैं आप। जब आप आधार कार्ड में जो नाम है वही डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ एक साथ डाल दोगे ना आप, तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, आपकी मार्कशीट में और आपकी आधार कार्ड में और आपके बैंक की किताब में नाम आपका एक सा होना चाहिए, अलग नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा जो है रोक दिया जाएगा। तो आपका जो है नाम वगैरह सब चीज़, डेट ऑफ बर्थ नाम वगैरह सारा कुछ एक सा होना चाहिए हर चीज़ में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपको दिखा देता हूँ। जब दोस्तों आप आधार कार्ड वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू कर लेंगे, एक बार आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे, प्रीव्यू चेक करने बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा, जो अगला पेज ओपन हो जाएगा उसमें आपको PDF अपलोड करनी है, 10वीं की मार्कशीट एंड आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दोनों चीज़ आपको अपलोड करनी है। दोस्तों मैं आगे वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी बच्चे का जो है डाटा नहीं है, तो दिल से धन्यवाद सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, पर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है 10th का, नहीं तो मैं आगे का प्रोसेस भी आपको दिखा देता कैसे कैसे आपको करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, प्रीव्यू करो, प्रीव्यू में सब चीज़ ठीक लगता है। उसके बाद आपको सबमिट करना है, सबमिट करने बाद आपको बैंक की डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको जो है नीचे आना है, नीचे आने बाद जो है आप अपलोड करना 10वीं की मार्कशीट एंड आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप फॉर्म भर लेना, कोई दिक्कत नहीं आई। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की 10th क्लास जिन्होंने 2023 में 10th की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने भाई और दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।